वास करते थे नंदबाबा के, इसलिए यहीं पर कृष्णचंद्र का जन्म स्थान यहीं पर है। लेकिन जो लोग साधारण रूप में ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को पढ़ते हैं, वो सबके सब कहेंगे कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए, बताओ तो कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए। सबके सब बोले कि मथुरा में कृष्ण जन्म हुए। लेकिन जो व्यक्ति श्री महाप्रभु की धारा में आए, हमारे जितने गोस्वामी लोग कहते हैं कृष्णा मथुरा में जन्म नहीं, कृष्णा मथुरा में प्रकट हुए। इसलिए गुरुदेव कहा करते थे जन्म कहते हैं किसको, बोले जन्म कहते हैं जब स्वाभाविक रूप में एक माँ की पेट से एक बच्चा जन्म हो और उसको बाद में बच्चे का नाड़ी छेदन भी हुआ करता है। ये माताओं को पता है नाड़ी छेदन, जन्म के बाद में नाड़ी छेदन होता है। गुरुदेव कहते थे मथुरा में कृष्ण प्रकट हुए। जैसे कृष्ण प्रकट होने से पहले चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, और जैसे एकदम 16 साल के बच्चे हैं, घुंघरा केश, चमकीले चमकीले वस्त्र, तब क्या बच्चा कभी ऐसे जन्म होता है? कभी बच्चा बच्चा तो जन्म होता है छोटे बच्चे रूप में, इसलिए कृष्ण वहां पर प्रादुर्भव हुए हैं। लेकिन जन्म कहाँ पर हुए, बल कृष्ण जन्म यहीं पर कृष्ण जन्म हुए। इसलिए गुरुपाद पद्म भागवत से, क्योंकि जो भागवत ग्रंथ है वो जितने शास्त्र का जो निचोड़ है, जो सार है, ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। इसलिए गुरुदेव भागवत ग्रंथ से विभिन्न श्लोकों को द्वारा उदाहरण देते थे, भागवत कैसे प्रमाण करता है कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए, गोकुल में, बोले कहाँ कहाँ पर हुए, बोले गोपी गीत का जो पहला श्लोक है, बोले जयती पृथिका जन्मना प्रजा जन्मना ब्रज, कहाँ पर जन्म हुए, बोले ब्रज में जन्म हुए, बोले ब्रह्मा जी उनका जो पहला जो स्तुति है, बोले नव मिटते अभ्र बपुसे तरितम बयाय गुंजा बदंस बरी छलसत मुखाय। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कृष्ण कौन है, बोले पशुपांग जाय, पशुपा मतलब पशु को जो पालन करते हैं, और उनको अंग से जो प्रकट हुए कौन है, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए गर्गाचार्य जब कृष्ण का नामकरण करते हैं वो भी यही बात को कहते हैं, बोले प्राग अयम वसुदेवस्य क्वचित जाता तवात्मज, कहते नंद, कहते श्री नंद बाबा को कहते हैं, बोले प्राग अयम वसुदेवस्य, उसने कभी वसुदेव का भी बेटा बना है, लेकिन बेटा किसका है, बोले ये तेरा ही ये बेटा फिर वसुदेव का बेटा बना है। कहते श्री सुखदेव गोस्वामी जब नंद महोत्सव को जब वर्णना करते हैं, कहते नंदस्तु आत्मज जाता लाद महामना, वहां पर भी कहते नंदस्तु आत्मज, नंद ये तेरा बेटा है। और कृष्ण जन्म होने पर कहते नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, जय कन्हैया लाल की। इसलिए यहाँ पर वो भी कह रहे हैं, इसलिए भागवत से गुरुदेव बहुत प्रमाण को दे देकर कहते थे कृष्ण ये नंद नंदन कृष्ण है। कहते नंद बाबा के जो पिताजी थे उनका नाम था परजन बाबा। कहते इनके 5 बेटे थे, उपानंद सुनंद नंद अभिनंद और नंदन। लेकिन ये 4 बच्चों को था संतान नहीं, लेकिन नंद बाबा का घर में कोई संतान नहीं, इसलिए नंद बाबा बड़े दुखी, घर में एक बेटा नहीं हो रहा है, भविष्य में राजा कौन बनेगा। इसलिए उन्होंने जब से आशीष स्वर की उपासना की, उनका आकाशवाणी हुई, बोले नंद बाबा चिंता परजन बाबा आप चिंता मत करो,
तुम्हारा बेटा एक बेटा का संतान नहीं, एक दिन ऐसे एक बेटा जन्म लेने वाले जो कि सारा दुनिया को उजाला करेंगे, तेरे वंश को भी परंपरा बढ़ाएंगे उनका, इसलिए उनका नाम आशीष और महादेव। एक दिन नंदा और जसोदा इन लोगों ने बड़ी कठोर तपस्या की, दान पुण्य तीर्थाटन, लेकिन घर में किसी तरह से कोई बच्चा की जन्म नहीं हुआ। जब नहीं हुआ उसी समय में नंद और जसोदा रात को उसने बड़ी एक स्वप्न देखा, बोले श्यामा चंचल चारु शरण पाल सवाल स्थले। ये ब्रह्म मुहूर्त में ये स्वप्न देखा, नंद ने जसोदा को बोले, जसोदा नंद को बोले, हमने ब्रह्म मुहूर्त में एक सुंदर स्वप्न देखा। बोले क्या देखा? बोले श्यामा चंचल चारु दीर्घ नयन। बोले जसोदे मैंने देखा तेरी कोख में बड़ा सुंदर एक श्याम रंग का बालक पौर रही, दूध पीते हुए दोनों को धार से ये कुर्ता भीग रहा था। नंद बोले, बोले जसोदा बोले मेरे स्वप्न की बात सुन लो। बोले क्या है तेरा स्वप्न? बोले मैंने भी देखा है मेरे पीछे पीछे एक सुंदर बालक कपड़ा खींचते हुए, बोले मैया हमें गोद में उठा लो, मैया हमें गोद में उठा लो, वो भी ऐसे मचल रहा था। उसी रात को ही